1988 माओवादी आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था। निशाने पे थे अमीर जमींदार और उद्योगपति। कलकत्ता के उद्योगपति श्यामल चौधरी पूरे परिवार के साथ अपने गांव लालगढ़ आए थे, जहां पूरे परिवार को नक्सलियों ने बेरहमी से जिंदा जलाकर मार डाला। नंदिनी घोष लेकर आई हूँ ब्रेकिंग न्यूज। वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने 6 चरणों में चुनाव करने की सूचना दी है। द इलेक्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 18 सितंबर एंड 10 अक्टूबर 2011। इस चुनाव में एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक राज करने वाली डेमोक्रेटिक वामपंथी पार्टी है और दूसरी तरफ है सतीगांव कॉन्ट्रोवर्सी और पुलिस फायरिंग के बाद ये चुनाव हो रहा है। जनता अब अपना फैसला सुनाएगी इस चुनाव में। दीपेंदा, कोरम कंप्लीट हो चुका है, अब किसके वास्ते रुका है हम? मीटिंग शुरू कीजिए। कमलेंदु बाबू, कोरम का क्या अचार डालेंगे? जब तक इंद्रनील मजुमदार नहीं आते कुछ नहीं होगा। अरे कौन है वो? पार्टी का प्रेसिडेंट है तो क्या है वो? आप इतना पुराना लीडर हो गए ऐसी बात करता है? कुछ नहीं है वो, लेकिन सब कुछ है। अरे वो पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, सारे ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी है, लेबर्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, पैटर्न है वो, पार्टी कैडर्स उससे जुड़ा हुआ है। पार्टी को फंड कौन रिलीज करता है? पार्टी का फंड वही रेज करते हैं। क्यों दीपेंदा? दीपेंदा, हम तो कहते हैं इस आदमी को पार्टी से दूर ही रखो। लाल सलाम बोधुगन। लाल सलाम। लाल सलाम। आशुन मजुमदार बाबू, आशुन। नमस्कार। 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 हेलो, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। मजुमदार बाबू, आप बोलिए। इस बार का इलेक्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हर बार जैसे चुनाव होता था ना, इस बार वो चुनाव नहीं है। हम लोग अब तक बैलेट पेपर पे स्टाम्प लगाते थे, बट दिस टाइम इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है जिसमें हमें बटन दबाना हो, समझे? इससे मालूम है क्या होगा? आज तक जो हमारे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज
अपना वोकस वोटिंग करते थे वो सब वो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो क्या हुआ, हमारा पार्टी कैडर बेस है, बहुत कैडर है हमारे पास। आपको मालूम है कमलेंदु बाबू, हमारा कैडर जो है ना वो सिर्फ अपना वोट डाल पाएगा, वो और वोट एक्स्ट्रा नहीं डाल सकता है। कहां से पैदा करेंगे आप? हाँ, आप जोड़िए कैलकुलेट कीजिए, मुश्किल तो है। मुश्किल तो तुम्हारे कारण हुआ है, सतीग्राम में किसानों की जमीन हड़पना चाहा, कितना बड़ा आंदोलन हो गया था। ए मधुसूदन बाबू, ये सब क्या सिर्फ हमने अपने लिए किया है? हाँ बोलिए दीपेंदा, क्या हम किया अपने लिए? पार्टी फंड में पैसा आया, हाँ आखिर ये फंड किसके लिए क्रिएट किया मैंने? सारा जी, मलेशिया से जब पैसा आ रहा था तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ? और हाँ, पार्टी सिर्फ सिद्धांत से नहीं चलता है, पार्टी चलाने के लिए जरूरी होता है पैसा, और ऐसे पैसा आएगा तभी तो हमारा ये आंदोलन चलेगा, हमारी सरकार चलेगी और हम जीतेंगे चुनाव कैसे, आप बताइए। क्या बात करते हैं आप लोग भी, हमने अपना सब कुछ इस पार्टी को दिया है, कम्युनिज्म का लाल झंडा हर तरफ फहराएगा, एक दिन देश में साम्यवाद फैलेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, हर तरफ समानता होगी, यही मेरी सोच है और इसी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं और मैं करूंगा, ये मेरा जुनून है, ये साम्यवाद मैं लाके रहूंगा। दीपेन बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। वॉट एवर हैपेंड लेट इट गो, जो हो गया उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं, पब्लिक का याददाश्त कमजोर होता है, सब कुछ जल्दी से भूल जाता है, अब हम लोग पब्लिक को गुड फील देगा। Hi Nandini, बैठो। Do you know, team has contacted us from Copenhagen. उसे 1995 के उर्लिया आर्म्स ड्रॉप का मास्टरमाइंड माना जाता था। वो कुछ सीक्रेट रिवील करना चाहता है। लेकिन वो क्या है बीवा? मुझे पूछना पड़ेगा। तुम तो चीफ हो, तुम्हें किसी से पूछने की क्या जरूरत? And I quickly became aware that this was not a legitimate deal. 1995 की एक शाम जब नक्सल प्रभावित उर्लिया क्षेत्र से एक विमान गुजर रहा था और उस विमान द्वारा AK-47 रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनाइट्स का पूरा जखीरा गिराया जा रहा था। Tonight आज पहली बार for the first time ever on Indian channel, Kim is gonna join us from Copenhagen. किम वही शख्स है जिसे 1995 के उर्लिया आर्म्स ड्रॉप का मास्टरमाइंड माना जाता था, द सो कॉल्ड मास्टरमाइंड ऑफ उर्लिया आर्म्स ड्रॉप। जब बंगाल में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका तभी ये खुलासा, ये मैं किम से ही जानना चाहूंगी। आप बताएं इलेक्शन के समय ही ये खुलासा क्यों किया आपने 16 साल बाद? Well, the Indian government has for 15 years not paid much attention to getting me to India to make statements and stand trial. Though they have known for many years that I was in Copenhagen in Denmark, they have not made many efforts to get me. Now the situation has turned. New forces apparently in India are trying to get to the bottom of this case, it seems. And I feel the time is now. I have kept silent for almost 16 years. Finally, the dots needs to be connected. तो किम, आप हमें बताइए कौन है वो शख्स? Who is the culprit? हम सभी जनता उनका नाम जानना चाहती है। The nation wants to know who is the culprit of arms drop. There were so many people involved. And Kim, you are answerable. You wanted to join with us and you want to disclose something. So you have to tell us. As I have said earlier, I was assured already spring 95, I was assured that
the political forces in India that it had interest in arranging for the defense of these people would assure the free passage. And I can only say that what transpired afterwards confirms their assurances to me, because the same people saw to it that I got out of India. So the assurances that they gave me, they followed through on that. माननीय सभापति, नेत्र बंधु बंधु और बंधु और बंधु, हमी बेचबो बोलबे ना। एक प्रश्न जिज्ञासा करबे और समाधान अपनी से चाहिए। ऐ रैली के मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव आचे, अनेक बार इलेक्शन देखला, अनेक बार चुनाव देखला, ए बार जे रकम जोश आमी देखते पाछी, ये जो जन सैलाब है वो बता रहा है इस बार भी लाल झंडा लहराएगा। विपक्ष बोलता है कि वाम हटाओ बंगाल बचाओ, और हम बोलता है वाम लाओ और बंगाल बढ़ाओ। आमी आपने से जिज्ञास करते पारें, बंगाल बचाना है कि बढ़ाना है? जोर से बोलिए, आपकी आवाज पूरे बंगाल में गूंजनी चाहिए। बंगाल बढ़ाना है कि बचाना है? बढ़ाना है। लाल झंडे को खत्म करने की कोशिश किन किन लोगों ने नहीं की? हिटलर ने भी की थी, और ये लाल झंडा न कभी झुका है और न झुकेगा। हमारा देश का भविष्य है ये। हम वर्ग संघर्ष के रास्ते से हिंदुस्तान में एक वर्गहीन समाज बनाएंगे। कोई जाति पाति नहीं होगी, ये सब कुछ दूर हो जाएगा। जन्म, जाति, धर्म, ये तीन चीज है जिसका भेद मिट जाएगा। और इस संघर्ष में कैसी भी कुर्बानी को देने की जरूरत पड़ी तो हम देंगे, हम कुर्बानी देंगे। एक बार आप सब मेरे साथ बोलिए, लाल सलाम, लाल सलाम। जोर से बोलिए, लाल सलाम। बड़ा जोरदार भाषण देता है साला। गाली मत दो यार, डोंट फॉरगेट ही इज अ बॉस। बॉस हमारे चैनल का बक, सबकी बजाता है वो, मगर तुमने तो उसकी बजा डाली और उसे पता भी नहीं चला। वैसे कीम का इंटरव्यू तो एडिटेड था, असली धमाका तो हमारे पास है। अभी तो शुरुआत है बेवा। आगे आगे देखो होता है क्या। आज वेस्ट बंगाल विधानसभा के चुनाव में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। इलेक्शन कमीशन की सुरक्षा व्यवस्था के कारण यह छिटपुट हिंसा को छोड़ शांतिपूर्ण रहा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 बजे तक ही मतदान हुआ, अन्य जगह 6 बजे तक। मतदान के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा गया, और इसी के साथ बंगाल इलेक्शन का पहला चरण सम्पन्न हुआ। हाय। आइए आइए। थैंक्स। बोशुन बोशुन। वुड यू लाइक अ ड्रिंक? नो, आई थिंक यू नीड अ ड्रिंक। आपके सामने तो पूरा मैं खाना है, डूब जाइए नशे में।
जल्दी भी क्या है जब पूरा मैखाना ही आपके पास है। तो धीरे धीरे नशा कीजिए वरना कहीं आप नॉकआउट ना हो जाए। जस्ट वन मिनट। ये बांगर के पेपर्स हैं। लाइसेंस के लिए सिर्फ आपके सिग्नेचर की जरूरत है। यहाँ साइन कर दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, बट वेयर्स माय पेमेंट? सामने तो खड़ी है बनर्जी बाबू। और बाकी कैश आपके बताए अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, कंफर्म कर ले। तुमने कह दिया, आई थिंक आई कैन ट्रस्ट। ओके, थैंक यू सर। You are on camera. आपका स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है। What the hell? I'm the commissioner of Kolkata. क्या नाम है तुम्हारा? हम कोलकाता का पुलिस कमिश्नर है। तुम मेरा स्टिंग करेगा? ये कैमरा यहाँ है। अब कोई फायदा नहीं है। बाहर खड़े एवी वैन से कनेक्टेड है। हो चुका है। कौन हो तुम? आई एम नंदिनी घोष फ्रॉम एंटी नेटवर्क। आपने पहचाना नहीं शायद। एनीवेज, कोई आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है, अभी करवाती हूँ। कॉमरेड, ऑपरेशन कमिश्नर कामयाब हो। वेल डन। ये लो, बात कर लो। कमिश्नर बोलेगा चे? इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करेगा। हाँ कमिश्नर, हमारा नहीं सुनेगा। हाँ अब सुनेगा, अब जो हम बोलेगा वो सुनेगा, काम इलेक्शन कमीशन के अंदर करेगा। और ऑर्डर किसका सुनेगा? इंद्रनील मजुमदार का, समझा? जो हम बोलेगा सो तुम करेगा, नहीं तो क्या होगा? ये जो पूरा शूटिंग हुआ है ना, वो तेरा सब ऑनलाइन हो जाएगा, टेलीकास्ट होगा, समझ रहा है ना तू? हाँ, बहुत उस दिन भौंक रहा था, ट्रांसफर नहीं करा सकते हो मेरा, अब तो सरकार नहीं इलेक्शन कमीशन है। दिखा दिया ना इलेक्शन कमीशन तेरे को, अब वही बचाएगा क्या? हाँ, पार्टी फंड के लिए 2 करोड़ रुपया भिजवा देना, समझा? बहुत माल कमाया है। चल नन्नी को फोन दे। नन्नी, गुड जॉब। थैंक्स कॉमरेड। वेलकम नंदिनी, वेलकम। खूब भालो कर तू। कॉमरेड, लेट्स सेलिब्रेट ऑपरेशन कमिश्नर। Thank you.
regret that the number you have dialed is unavailable. We regret that the number you have dialed is unavailable. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 51 क्षेत्रों में 74% मतदान हुआ और इसके साथ ही 380 उम्मीदवारों का भविष्य वोटिंग मशीन में कैद हो गया है। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। कई क्षेत्रों में छुटपुट हिंसा की घटनाएं भी हुई। विभा जी, बाबूजी, तुम बताओ, न्यूज़पेपर में तो कुछ नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन का क्या हाल है? बाबूजी, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पीछे खड़ी हूँ? आपने तो मुझे देखा ही नहीं। बेटी, ग्लूकोमा जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा रहा है, मेरी कई आंखें खुल रही हैं। विभा, मैं कोई अंधा नहीं हुआ हूँ, वैसे ये तुम्हारा जनाना परफ्यूम ही काफी है। बाबूजी, इस बार तो इलेक्शन बहुत टफ लग रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग काव्या मैम, इज सर रेडी? क्या बोल रही हो? ही हैज नॉट कम बैक, और हमेशा की तरह उनका मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ है। ओह रियली? बहू, क्यों फिकर करती हो, आ जाएगा। विभा जी, हम अपने पति को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद तुम भी समझ रही हो ना। औरत को इस्तेमाल करके फेंकना उसे खूब आता है। और कौन है वो लड़की जो आजकल हमारे पति के साथ सो रही है? मैम, वो अपने चैनल की नई सीईओ है, नंदिनी। लेकिन हाय काव्या, गुड मॉर्निंग। काव्या, मीट नंदिनी। हेलो, हमारे चैनल की नई सीईओ। एंड मीट माय वाइफ। हेलो। अच्छा, आप लोग बात कीजिए। बाबूजी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारे हिंसावादी कम्युनिज्म को मैं आशीर्वाद कैसे दूं? समझ नहीं आया कि आज तक शांति निकेतन से पढ़ा लिखा मेरा बेटा आज लाल क्रांति का रहनुमा बन गया है। क्या सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, क्या रखा हुआ है आपके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में? और क्या किया आपकी उस गांधीवादी पार्टी ने? पिछले 40 साल से किसी ने पूछा भी नहीं कि रविंद्र मजुमदार उस पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट किस हाल में है? किसी ने पूछा आपको? हाँ, बहुत सत्य और अहिंसा का नारा लगाते हैं आप और गांधीवादी बनते हैं, क्या हुआ उससे? सत्य और अहिंसा का सिद्धांत मेरे पास है और आगे भी रहेगा, तुम नहीं समझोगे। काव्या, मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, चाइना से कुछ डेलीगेट्स आए हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई एम गेटिंग रेडी। विभा जी, मैम, अब तो तुम्हारी तरह नंदिनी भी मेरे पति को अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मैं कुछ समझी नहीं। ना समझी भी एक समझ है,
जो तुम खूब समझती हो, तभी तो तुम इतनी जल्दी हमारी कंपनी की सीईओ बन गई। विभा जी, जो पैसे लेके मर्द के साथ सोती है उसको कहते हैं ना, और जो अपनी तरक्की के लिए अपने बॉस के साथ सो जाए, तो वही हुई ना आई थिंक। काव्या मैम, आप एक औरत हैं और मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से, पर आपके इस बात का जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती हूँ। आपको इस बात का जवाब एक दिन समय देगा। वेलकम टू एंटी नेटवर्क, मैं नंदिनी घोष लेकर आई हूँ ब्रेकिंग न्यूज। इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल सर्वे पे रोक लगा दी है। अब आखिरी चरण के चुनाव के बाद ही एग्जिट पोल रिपोर्ट जारी करेंगे। नंदिनी। यस सर। ये बताओ कि तुम्हारा एग्जिट पोल सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहा है? दैट आई वांट टू नो। एज यूजुअल इस बार भी बदलाव की कोई हवा नहीं है। वाम मोर्चा हमेशा की तरह इस बार भी जीतेगा एंड ऑपोजिशन पार्टी विल बी डिफीटेड। नेक्स्ट फेजेस के इलेक्शन में कंपेनिंग एंड वोटिंग के लिए 600 करोड़ का बजट है, जिसके लिए तीन उद्योगपतियों से हर बार 150 करोड़ आता था। इस बार टारगेट 250 करोड़ दिया गया है। अगर ये पेमेंट ना आया कॉमरेड तो बहुत मुश्किल होगी। बापी, कलेक्शन का क्या? कॉमरेड, सभी कैडेट्स कलेक्शन कर रहे हैं। ओके। लेकिन जो मेजर पेमेंट आना है साफ, अग्रवाल और चौधरी से, वो कुछ टाल मटोल कर रहे हैं और अग्रवाल तो लगभग मना ही कर दिया है। कॉमरेड, नक्सल लीडर सत्यपाल आए हैं। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम कॉमरेड। छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र के कॉमरेड्स ने RDX, गोला बारूद और तो और रॉकेट लॉन्चर का भी डिमांड किया है। उनका दावा है कि अगर ये सप्लाई डिमांड से मीट कर गया तो लाल क्रांति का झंडा लहरा जाएगा, सभी जमींदारों और सरकारी फौज का खात्मा कर देंगे। सत्य बाबू, आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन इतना बड़ा कंसाइनमेंट अभी भेजना तो बहुत मुश्किल होगा। हम पूरा पेमेंट एडवांस में लाए हैं। पेमेंट इज नॉट इश्यू, पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बात समझनी चाहिए, जो आपका गोल है वही मेरा गोल है, हिंदुस्तान में लाल क्रांति लाना, लाल झंडा लहराना। तब तक ये मजुमदार भी चैन की सांस नहीं लेने वाला है। सत्य बाबू, आप समझिए, आपको मालूम है ना, इलेक्शन चल रहा है, हर कुछ इलेक्शन कमीशन के अंदर, कोई ऑफिसर हमारे अंदर नहीं है। बापी, वो अपना बैनर्जी बाबू है ना, पुलिस कमिश्नर, वो कब काम आएंगे? हम लोग चलिए फिर भी कुछ रास्ता लगाते हैं, हम जो पॉसिबल होगा सप्लाई होगा। एनीवे, बी केयरफुल, यू आर मोस्ट वांटेड इन गवर्नमेंट लिस्ट, 20 लाख का इनाम है आपके ऊपर, समझे? बी केयरफुल, ओके, लाल सलाम। अग्रवाल साहब काफी देर से बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने पार्टी फंड की पेमेंट जमा करवा दी है एंड ही वांट्स टू मीट यू। ओके ओके, बापी अग्रवाल साहब को बुलाओ। क्या विभा, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत नजर आ रही। क्या कॉमरेड, आपको तो हमेशा नंदिनी में ही सब नजर आता था, आज मुझ में नजर आ रहा है जी। आइए आइए अग्रवाल साहब, आइए बैठिए जी। कॉमरेड, आप तो जानते हैं कि मैंने सारी पेमेंट जमा करवा दी है, फिर ये स्ट्राइक क्यों कंटिन्यू है? क्या आपको पता है कि हर दिन कितना नुकसान हो रहा है? अग्रवाल साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब जब एक बार स्ट्राइक हो गई है तो मजदूरों की डिमांड माने बगैर स्ट्राइक कैसे तोड़ाया जा सकता है?
अगर हमने स्ट्राइक करवा दी फिर तो हमारा लीडरशिप हो गया। मजदूरों की डिमांड, आप चाहते हैं तो मजदूरों की डिमांड पूरी कर दी जाए। ये सारा कुछ जो सीन हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं। पहले ही अगर पार्टी फंड में पैसा जमा कर दिए होते तो ये सीन बनता? क्या आपको इस बात का अंदेशा है कि अगर हमने ऐसा किया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी? प्लीज कुछ कीजिए, कोई रास्ता निकालिए आप, वरना ये सारा कारोबार बंद करके हमें किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कुछ करते हैं। थोड़ा बहुत तो कुछ देना ही पड़ेगा, मजदूरों को तो एकदम खाली हाथ हम नहीं छोड़ सकते। After all, it's a question of my leadership. आप देख लीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। कॉमरेड, खेतान के बेटे को वापस करसियान बोर्डिंग भेज दे क्या? खेतान का पेमेंट आ गया है। वहां कोई पुलिस केस वगैरह तो रजिस्टर्ड नहीं, नहीं हुआ ना? नहीं कॉमरेड, छोड़ दो उसे, भेज दो वापस। लाल सलाम। आज हमारी बेटी आ रही है, जुबैदा का कोठा आज बंद रहेगा। अख्तर को बोल दो सभी ग्राहकों को वापस भेज दे, और सुब्रो से कह दो जिन लड़कियों की ऑनलाइन बुकिंग है उन्हें होटल भेज दे। और हाँ, बाकी लड़कियों को बता दो आज वो घूमने जा सकती हैं, उनकी आज छुट्टी है। और सबको खर्चे का भी पैसा दे देना। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। कितने दिनों बाद आई? आप ठीक हो ना? और कितनी कमजोर हो गई है, खाना नहीं खाती है? खाती हूँ ना माँ, बहुत खाती हूँ। माँ ये बीवा है, मेरे साथ चैनल में काम करती है, बहुत साथ दे रही। अच्छा? है मेरा। मैं अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे ये बैग रख। ये क्या है बेटी? 10 लाख रुपए कॉमरेड ने भेजा है, आपने जो कमिश्नर का टिप दिया था उसका इनाम। रख दे बेटी इस नापाक दौलत को, ये तो मैं खैरात में दूंगी। ये सब तो मैंने तेरी खातिर किया है, ताकि तू अपनी मंजिल को पा सके। माँ अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है, ऑफिस में बहुत काम है। कैसी बातें कर रही है बेटी, आज माँ के पास रुक जाना। आज मैंने कोठा भी बंद रखा है और सबको छुट्टी दे दी है, और मैंने तेरा मन पसंद रोहू माछ और भात बनवाया है। वाह, तब तो खाकर ही जाऊंगी। हाँ माँ, मेरी प्यारी माँ। एक मुसलमान माँ की हिंदू बेटी मैं कुछ समझी नहीं। माँ बेटी होते हैं, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुझे दिख ही रहा है। आपने तो कमाल ही कर दिया, सोनागाछी की लड़की को इतने बड़े चैनल का सीईओ बना दिया। ये सोनागाछी की लड़की नहीं है, ये तो मेरी वो बेटी है जिसे अल्लाह ने मेरे पास भेजा है एक मकसद को पूरा करने के लिए, दार्जिलिंग से।
बाबा। हाँ बेटी। अब अभी तक दुकान पे बैठे हैं? दुकान बंद करके आने ही वाला था। कितनी बार बोला दुकान पे नहीं आने का। इधर हम है ना बेटा। देखो बाबा तुम बीमार हो गए, अब तुमको काम नहीं करना है, चलो घर चलो। मैंने तेरे को पहले ही बोला है, धंधा है मैं करेगा। मैं करूंगी। नहीं मैं करूंगी। मैं कल से दुकान खोलूंगी, मैं चाय बेचूंगी। मैं चाय बेचूंगी, मैं दुकान खोलूंगी, आप घर से बाहर नहीं जाओगे, बस। अब चलो नहीं, बाबा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो पढ़ाई पढ़ाई कैसा चलता है, ठीक है ना? कल मैं कर्सन जा रही हूँ। क्यों? दोस्तों के साथ पिकनिक पे। अरे स्कूल पिकनिक है। मगर कौन जा रहा है साथ में? मेरी स्कूल की सहेलियां हैं बाबा। अच्छा लड़कियां जा रही है ना? हाँ हाँ। हाँ तब तो ठीक है, किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना। हाँ चलो संभल के बाबा, ध्यान से। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। बारिश में भी बाहर आके दुकान खोलना है। क्या जब देखो फोटो खींचते रहते हो, वीडियो बनाते रहते हो, बात नहीं करते हो तुम? अरे हंसू, जब तुम हमारे पास नहीं रहेगा तब यही तो सारा है। अब सोचो जब हमारा विवाह हो जाएगा और तुम हमारा पत्नी बन जाएगा तब इसका जरूरत थोड़ी होगा, तब तो हम तुम्हें हमेशा देखते रहेगा ना। बोलो। उसके लिए भी बहुत टाइम है। और 12वीं का एग्जाम है, तुम्हें कुछ पढ़ी नहीं है? तुम तो अपने मोबाइल में वीडियोस देख लेते हो। मेरी वीडियो ले लेगी, हमको भी मन करता है। मैं क्या करूं? अरे बाबा मैं तुम्हें ना जब मेरा पार्टी फंड से पैसा आएगा ना तब तुम्हें नया मोबाइल दिलाएगा, ठीक है? अच्छा बाबा को क्या जवाब देंगे हम? बाबा को बताने की क्या जरूरत है, मोबाइल साइलेंट पे रख लेना। सही बात। दरमिया ना रहे अब हवा, यू लिपट मेरे तन से तुआ, रेशे रेशे की दूरी ना बर्दाश्त अब, इंतजार लगे अब सजा। ये मुरादों से आई
दस्त अब इंतजार लगे है सजा ओके ओके जब देखो वीडियो बनाते रहते हो। अच्छा वीडियो बना रहा था, मोबाइल क्यों छीना? सुनो ना बाबा से बात करूँ ना, काफी दिन हो गए हैं, बात करूँ ना प्लीज प्लीज। अरे बाबा हम पापा के पास आज ही आने वाला था पर थोड़ा सा ना हमको वो मुक्ति मोर्चा का मीटिंग में जाना पड़ा और वहीं हम थोड़ा सा बिजी हो गया। बस कुछ दिन का तो बात है, दिल्ली से आते ही हम बाबा से मिलने जरूर आएगा। तुम और तुम्हारे मोर्चे। तुम्हें पता है ना सुभाष बाबू का आंदोलन कितने जोर शोर से चल रहा है। तुम हमेशा यही बहाने बनाते हो और टाल देते हो बात को, आते नहीं हो। अच्छा तुमको क्या लगता है कि हम तुमको प्यार नहीं करता? हो सकता है। हम लोग मन से तो विवाह कर ही चुका है ना, लेकिन सचमुच में तो नहीं हुई ना। अरे पापा देखो अभी हमारा शादी नहीं हुआ लेकिन तुमको पता है ना बहुत जल्दी हमारा शादी होने वाला है। हंसु हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको तुम्हारी आदत सी हो गई है, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। बस करीब आ जाओ हंसु।
हंसु। सब बालो बालो खूब बालो वीडियो आछे। हाँ? हंसु क्या वीडियो बनाया यार, कमाल है तू तो। क्या बात कर रहे हो, कौन सा वीडियो? क्या बात है बॉस, अपने बगल में इतना बड़ा आइटम। किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो? वही वीडियो जिसकी हीरोइन है तू। क्या मस्त जवानी है तेरी, हमें भी दे दे। ये क्या नाटक है? किस वीडियो की बात कर रहे हो तुम? एक तो दुकान खोल के एडवर्टाइजमेंट करती है और जब ग्राहक आया तो ऊपर से भगाती है। ये देख तेरी वीडियो फिल्म, देख बोल देखना क्या है बता। कहाँ से मिला ये वीडियो? हीरोइनों के पूछती है कहाँ से आया वीडियो। वहीं से जो तेरी सैड फिल्म का हीरो है सोम, जो बनाया वही देगा ना। अब तो ये पूरे दार्जिलिंग में MMS बन के फैल चुका है। अपन नेंदू को भी अपनी वीडियो का हीरो बनाओ ना, हम भी तो सोम के दोस्त हैं। बना लो ना मेरी जान अंशु। के बहुत बड़े उद्योगपति श्यामल चौधरी थे कलकत्ता में, उनका बहुत नाम था, बहुत बड़ा परिवार था। उस दिन लालगढ़ में जब तुम मेरी गोद में थी, मामा, मामा, हम घर के बाहर थे और अंदर देखा मामा, तेरे पिता को लाल सलाम और लाल क्रांति वाले धमकाने लगे। बताओ लाल क्रांति वाले थे वो, और उनकी बात तेरे पिता ने नहीं मानी। बाबा, बाबा, खुद को संभालो बाबा। उन लोगों ने तेरे घर को घेर कर सबको 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 मार दिया, तेरे पिता और पूरे परिवार को मार दिया, जिंदा जला दिया। मैं किसी तरह से तुझको वहां से बचा कर दार्जिलिंग ले आया। बाबा, 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 बाबा! Thank you.
इशारे नैनों में रहना घोर अंधेरी बैठे लगाए आस है तेरी नैनों में रहना घोर अंधेरी बैठे लगाए आस है तेरी रे सुलेमान, अपना कंसाइनमेंट कितनी देर में आएगा? दीदी वो पंजाब मेल से आ रहा है, मुझे लगता है ट्रेन 3 घंटा लेट है। ये कंसाइनमेंट तो बिना इंटीमेशन के ही आ गया, तो रुक यहीं, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं। कहाँ जाना है? अपने घर। कहाँ है घर? नहीं मालूम। नहीं मालूम? क्या कह रही हो बेटी? कहाँ से आ रही हो तुम? दार्जिलिंग से। मुझे अपना घर ढूंढना है। मेरे बाबा ने कहा था कि मेरे पापा कोलकाता के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नक्सलाइट्स ने मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मुझे सब वापस चाहिए, सब वापस चाहिए। क्या नाम था तुम्हारे पापा का बेटी? स्वर्गीय श्यामल चौधरी। कहीं तुम चौधरी स्टेट वाले श्यामल बाबू की बात तो नहीं कर रही हो? नहीं मालूम, यही तो पता करने आई हूँ। आओ बेटी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, चलो मेरे साथ। मैं चली जाऊंगी। कोलकाता इतना बड़ा शहर है, कहाँ जाओगी? आओ मेरे साथ चलो, चलो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कुछ मत सोचो। चलो बेटी, आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो, आ जाओ बेटी, बैठो बैठो। सोम ने धोखा दिया प्रेमी बनके, और अब क्या आप ही हमें धोखा देंगी माँ बनके? हम नहीं जानते माँ कैसी होती हैं, पर इतना तो पता है मुझे, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में वो अपने बच्चों पर कोई आँच आने नहीं देती हैं, हर परेशानी अपने सर ले लेती हैं। बेटी वो देख, मेरी बेटी नसरीन, अल्लाह ने तो उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन तुझे अल्लाह ने दोबारा मेरी बेटी के रूप में दे दिया। देखो ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। बस बेटी, भूल जाओ सब, आज से तू नंदिनी है, नंदिनी है। ये मर्दों की दुनिया है बेटी, यहाँ अकेली औरत को देखकर नोच लेते हैं, लेकिन अब तुम यहाँ महफूज रहोगी हमेशा।
बेटी। हाँ माँ, आ गई आप? हाँ, कितना पढ़ोगी? पढ़ना तो पड़ेगा ना। दूध पी लो। माँ बाद में पीऊंगी ना। पियो ना बेटी, कितना पढ़ाई करती हो। पी लो। बस और नहीं। बस नसरीन। ओ नंदिनी। माँ आप मुझे नसरीन ही बुलाया करो, अच्छा लगता है। लव यू। आज मैं कलेक्टर ऑफिस गई थी, आरटीआई में जो एप्लीकेशन लगाई थी उसका 2 महीने बाद जवाब मिला है। ओके, क्या जवाब आया? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा हो गया है। और उसका केयर टेकर इंद्रनील मजूमदार को बना दिया गया है। माँ ये इंद्रनील मजूमदार है कौन? कॉमरेड मजूमदार इस स्टेट का बहुत पावरफुल लीडर है। वो ना तो एमएलए है ना ही कोई मंत्री, लेकिन पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती। वो आदमी सभी बुरे काम करता है और हर सुंदर लड़की उसकी पसंद है। मुझे उससे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है। माँ उससे मिलवाओ मुझे, मुझे उसे बताना है सारी प्रॉपर्टी की वारिस मैं हूँ। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात बेटी, कोई नहीं सुनेगा। सरकारी रिकॉर्ड में श्यामल चौधरी का पूरा परिवार जल के खाक हो चुका है और उस परिवार का कोई भी वारिस जिंदा नहीं है। तुम्हें वारिस साबित करना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी संपत्ति जिस आदमी के हाथ में है ना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। जितना मैं उसे जानती हूँ, अगर उसे पता चला कि तुम जिंदा हो तो शायद तुम्हारी भी जान ले ले। अब कोई डर नहीं लगता माँ। तुम इस खूबसूरती और कलम की ताकत से सब कुछ हासिल कर सकती हो। इनसे मिलिए, हमारी कंपनी के सीईओ प्रसन्न मुखर्जी। सर ये है नंदिनी, एमएम एग्जाम टॉपर। टॉपर? प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। विभा मुझे एग्जाम टॉपर की जरूरत नहीं है, मुझे न्यूज टॉपर की जरूरत है। मुझे वो लड़की चाहिए जिसे मालूम होना ये बहुत जरूरी है कि स्टोरी कवर कैसे की जाती है, न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनाया जाता है, मुझे उसकी जरूरत है। इट्स ट्रू बट अ स्मॉल थिंग कैन बी अ बिग न्यूज। लेकिन सर ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम एक स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और तो और कई बार स्टोरी को क्रिएट करना पड़ता है। सर मेरे पास और भी मीडिया हाउसेस के ऑफर थे बट आई वॉन्टेड टू वर्क हियर, क्योंकि ये चैनल अभी लो टीआरपी फेस कर रहा है एंड आई लव चैलेंजेस। इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड। चलो तुम्हें एक टास्क देता हूँ, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर मुझे उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए। श्योर सर, मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक टू यू। थैंक यू। मैडम कहाँ के घुसते जा रही है? सर माइसेल्फ नंदिनी घोष, आई एम मास मीडिया टॉपर। मेरे चीफ मुखर्जी ने किसी बड़े लीडर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए कहा है और मेरी नजरों में आपसे बेस्ट और कोई नहीं। अरे जी पत्रकार, अरे कैमरा उमरा किधर है आपका? सर ये इस साल की टॉपर है और इन्होंने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है। सर प्लीज अपना इंटरव्यू मुझे दे दीजिए ना। आपको इंटरव्यू चाहिए? आपको ये इंटरव्यू हम देंगे, मगर आप मुझसे एक प्रश्न कीजिए। आपका वो प्रश्न निश्चित करेगा कि हम आपको इंटरव्यू दें या ना दें। पूछिए क्या पूछना है जी? सिर्फ एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछिए। सर कम्युनिस्ट तो नास्तिक होते हैं, फिर आस्था के मंदिर में आप कैसे? ये लड़की क्या बकवास कर रही है?
सर। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। पापी मैं इसको इंटरव्यू दूंगा, मेरा नंबर दे दो। 9830-345-345 जी। कल ही फोन कर लेना। जी ठीक है। सर आपके इंटरव्यू को जबरदस्त व्यूअरशिप मिला है, आपने तो भगवान का अलग ही मतलब बताया। भगवान को हमने बनाया है कि भगवान ने हमको बनाया है, बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजिंग है। एनीवे तुम इन सब बातों को जाने दो, ये सब बातें तो हमने इंटरव्यू में कही दी हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम पब्लिक प्लेस में जो बातें करते हैं वो यहाँ नहीं करते, समझे? एग्जैक्टली एक यंग कपल लॉन्ग ड्राइव पे, सही है। एक बात कहनी थी सर। प्लीज डोंट कॉल मी सर। ओके ओके बॉस। बॉस सर नहीं तो बॉस। बॉस यू लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त मर्दाना अंदाज है आपका। आपको देखकर कोई भी लड़की आपको चाहने लगेगी, लेकिन आपको और काम्या मैडम को देखकर ये नहीं लगता कि आपके बच्चे जर्मनी में वेल सेटल्ड होंगे। काव्या मेरी वाइफ की कजन है, जिससे मेरी वाइफ की डेथ के बाद शादी हुई। हमने सुना है कि आपकी वाइफ ने सुसाइड किया था। तुम कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टिगेट कर रही हो। ओके सॉरी बॉस, दिस इज माय जॉब। और आप तो जानते हैं ना कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आपने मुझे अपने नज़दीक लाकर मेरा मान बढ़ाया है। प्लीज़ बॉस आप मुझे एक मौका तो दीजिए, प्लीज़ एक मौका। लव यू। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा। किसका? तुम्हारा और आज से ये मजुमदार के लिए एक्सक्लूसिव है, समझी? यस बॉस। आज से सभी स्टेट और नेशनल लीडर और सेलिब्रिटीज तुम्हें तुम्हारे कॉल पे अवेलेबल होंगे डियर। मैं तुम्हें मीडिया स्टार बना दूंगा। आई विल मेक यू ए मीडिया स्टार। यू आर ब्यूटी विद अ ब्रेन मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो ना तुम, बहुत रिसर्च किया है तुमने।
I am having a grey image. Make it white. Understand? It is almost like एक विलेन को हीरो बनाने जैसा है. Yes, boss. I have a plan. मैं आपको एक सजेशन दूंगी. एंटी नेटवर्क के डायरेक्टर्स अपने अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं. अपने लो टीआरपी के कारण मार्केट रेट बहुत कम है. खरीद लीजिए सारे शेयर्स और बन जाइए एंटी नेटवर्क के एमडी. जब एक मीडिया हाउस आपका होगा फिर देखना मैं कैसे हीरो बनाती हूँ आपको. May I come in, sir? Good morning, sir. Nandini! Well done, Nandini! Well done. Beautiful. अपना चैनल नंबर वन पोजीशन पे आ गया है ओवरनाइट. ये तो होना ही था सर. तुम्ही भालो करतो. Too good. You know, your programs got the best viewership. तुम्हारा फोन बज रहा है. इम्पोर्टेंट है? नहीं सर, आपसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है. ओके, गुड गुड गुड. नंदनी, तुम बहुत ऊपर जाओगी. ये तो आपने हमें मौका दिया है सर. थैंक यू. दिवो और मौका दिवो. अब आप हमें मौका देने की कोशिश कीजिए. हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे. यू आर वेरी वेरी स्वीट. हेलो सर. परिमल, मिस नंदनी इज नो लॉन्गर ए ट्रेनी विद एंटी नेटवर्क. व्हाट? यस, शी इज नाउ चीफ न्यूज एडिटर ऑफ एंटी नेटवर्क. सो इट मींस आई विल बी रिपोर्टिंग टू नंदनी नाउ ऑनवर्ड्स. यस. ओके, कांग्रेचुलेशंस नंदनी. थैंक यू. सतीग्राम में जमीन अधिग्रहण के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और ये घोटाला कोई और नहीं इंद्रनील मजूमदार कर रहा है. मैंने इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए मैम. किसानों से जमीन औने पौने दामों में खरीद के मलेशिया के कलीम एंटरप्राइजेस को करोड़ों में बेची जा रही है और ये सारा पैसा कमा रहा है इंद्रनील मजूमदार. ये तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है मैडम. और अभी तक मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कितनी बार रिपोर्ट भी दे चुका हूँ, इसे कवर क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर ये कैसे होगा मैम? और आप तो चीफ बन चुके हैं फिर भी. पार्थो, तुमने बहुत अच्छा काम किया. वेल डन. मैं कुछ करती हूँ. लेकिन मजूमदार हमारे चैनल को फंडिंग करता है. सो वी हैव टू वेट. जी मैम.
क्यों नंदिनी, क्या सोच रही हो तुम? मैं कुछ सोच रहा हूँ। इस बार हम दोनों मंदूरमणी बीच में चलते हैं, क्या ख्याल है आपका? आप अपनी वाइफ को क्या जवाब देंगे? वाइफ? तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम अपना बताओ। इस वीक थोड़ा मुश्किल लगता है, अगले वीक चलेंगे ना? मैं भी चलना चाहती हूँ। नंदिनी, मुझसे बहाने? मैं तुम्हारी शक्ल पढ़ता हूँ, इतना बेवकूफ तो हूँ नहीं मैं। अच्छे बहाने करती हो, मैं तुम्हारे हर बहाने को समझता हूँ। सर, मैंने सुना है कि मिस्टर मजूमदार इज टेकिंग ओवर आवर नेटवर्क। अब समझा। सो व्हाट, आई एम सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके नंदिनी, सी यू देन। बेबा, ये दिखाएगा उस पापी का चेहरा दुनिया को। मगर पार्थो, अगर उसे तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा तो वो कुछ भी कर सकता है। और ईशा तो मजूमदार की सेक्रेटरी है ना, तो तुमने उससे ये कैसे करवाया? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उस आरामखोर ने उसे भी नहीं छोड़ा। क्या? और हमारी चैनल तो कम्युनिस्ट सपोर्टर है, वो तो कुछ करेंगे नहीं। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इसे इंटरनेट पे लीक कर देता हूँ। संभल के पार्थो। कमाल की लड़की अपॉइंट की है आपने मिस्टर मुखर्जी, चैनल को टॉप पे पहुंचा दिया इसने। किसी को भी अर्श से फर्श पे ले आइए। तो एनीवे, मैं सोचता हूं मुखर्जी साहब को अर्श पे पहुंचाना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मुखर्जी। फॉर व्हाट? मुखर्जी साहब, आपको नेशनल हेड बनाया जाता है। दिल्ली जाने की तैयारी कीजिए एंड नंदिनी विल टेक चार्ज ऑफ मिस्टर मुखर्जी। नमस्कार। वीकी लीक ने सत्यग्राम में चल रहे जमीन घोटाले का खुलासा किया और इंद्रनील मजूमदार को इसका जिम्मेदार ठहराया। वीकी लीक ने अपने वेबसाइट पे इसके सबूत भी जारी किए, जिससे पता चलता है कि सत्यग्राम में किसानों की जमीन सस्ते दामों से अधिग्रहण कर मलेशिया के एक कंपनी को ऊंचे दामों में इंद्रनील मजूमदार के जरिए बेचा गया। देखो कॉमरेड, देखो क्या चल रहा है। क्या है? फोन लगाओ उसको। क्या कर दिया वो? पूरा करियर बर्बाद हो गया मेरा तो। कैसे चले गए? जी नंदिनी, 6 महीने बाद तो इलेक्शन है। फोन दो। नंदिनी, कोलकाता है हमार, पूरे पॉलिटिकल इमेज के बर्बाद करी दे लो। तुम सब अपना चैनल छोड़ के और कोई चैनल देखता नहीं है क्या? कॉमरेड मजूमदार, जिसको सब पांव छूता है वो गया। सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या चला रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? सिर्फ आधे घंटे के अंदर मेरे बालीगंज वाले गोदाम पे पहुंचो तुम, समझे? हे बापे, इधर आधा घंटा है तेरे पास, आधे घंटे के अंदर हमको चाहिए। हाँ, मिल जाएगा। जी कॉमरेड। हाँ, चल निकल, आउट, निकल। साला पूरा बर्बाद कर दिया ये तो। साला पब्लिक के बीच में जाएगा कैसे ये साला? चलो। पार्थो सारथी, हमारी खाता है, हमारे चैनल में काम करता है, हमारा रिपोर्टर, साला हमारा ही रिपोर्टिंग करता है, हाँ?
लैंड स्कैम को लीक किया? इलेक्शन आने वाला है और तुम कुछ नहीं समझा? साला कॉमरेड मजुमदार के करियर के साथ खेलने की कोशिश किया, किसके कहने पे किया था ये सब? बोला ना किसी के कहने पे नहीं। अरे साला ये तो लुक देता है। मर साले, हट हट, मार 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 साले, मार मार साले। साला तू देगा, तुम आंख दिखाएगा हमको? ए आंख दिखाएगा साला? तेरा तो आंख निकाल के बाहर कर देगा। कौन है पॉलिटिकल पार्टी तेरे पीछे? बोल ना, बोल 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 ना, बोल ना। कौन सब है? बोल ना कौन सब है? तू कॉमरेड बोलता अपने आप को? अरे गरीबों का झूठे सपने दिखाकर तू कॉमरेड बन? अरे गरीब तेरी वजह से आज आत्महत्या कर रहे हैं, पता है तुझे? अरे तेरा तो चेहरा अभी पब्लिक के सामने लाया, आगे आगे देख तेरा होता है क्या। अगर मेरा बस चलता ना तो बीच बाजार में गोली मार देता खड़ा। एक अलवा, ये तो बीच बाजार में गोली मारने का बात करता है। गोली मारेगा बीच बाजार में हमको? कॉमरेड मजुमदार को गोली मारेगा? मार दो कॉमरेड। सर प्लीज, सर प्लीज, सर छोड़ दीजिए कॉमरेड, प्लीज छोड़ दीजिए। ये अपना गलती मान लेगा, मानना अपना गलती, मानना मानना। ये कौन सा सीन बन गया? ये नाटक कैसा हो? ये नाटक तो हम नहीं सोचा था। ये हमारा मैना कहाँ से आ गया? ये हमारा मैना, मैना तू इसको दे है धोखेबाज। सर प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, ये अपना गलती मान लेगा। सर प्लीज छोड़ दीजिए। क्या बोल रहा है हमारा मैना? हम आपके पैर पड़ते हैं। उसको तो क्या लैंग्वेज बोलता है? हैं साला सोच भी नहीं सकता था ना, अपने घर का भेदी हाँ लंका ढा दिया। अब साला अब तक बात समझ में नहीं आ रहा था हमको। साला तुम क्या शहीद किया जाए? कॉमरेड प्लीज, कॉमरेड कॉमरेड छोड़ दीजिए इसको, ये अपनी गलती मान लेगा। कॉमरेड प्लीज छोड़ दीजिए, कॉमरेड प्लीज। कर तू जो होना है वो तो हो गई। कॉमरेड छोड़ दीजिए, कॉमरेड छोड़ दीजिए उसे। छोड़ो मुझे, पार्थो जाओ जी गाड़ी लेकर के जी, डाल दो सबको हुगली में। नंदिनी कहाँ है? पार्थो कोई है? कोई है? पार्थो उठो, पार्थो उठो, उठाओ उठाओ उठाओ, चलो लड़के उठाओ, उठाओ लड़के को, उठाओ साले को। नहीं नहीं छोड़ो। चलो तू क्या सोच रही है, तू भी साथ में जाएगी, चल चल साथ में चल। वो आई क्यों नहीं है? नंदिनी जी कहाँ है? आ रही आ रही, ले गया कैमरे।
वेलकम नंदिनी, वेलकम तुम्हारी छोटी सी भूल में। हमारा तो करियर ही खत्म हो गया था। तुम जानते हो विकीलीक्स ने किस तरह से हमारा ये स्कैम पार्थो के कारण खोल दिया। सारे न्यूज चैनल वाले ब्रेकिंग न्यूज बना दिए। तुम तो मुझे हीरो बनाने वाली थी ना, और तुम्हारे अंदर काम करने वाला आदमी पार्थो, उसने पॉलिटिकल करियर में साला विलेन बना दिया। Constituencies of West Bengal. पिताजी, जिन नक्सली और कम्युनिस्टों ने हमारे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था, मैं उनके खिलाफ सारी जिंदगी लड़ती रहूंगी। और आपकी सारी संपत्ति मैं जब तक हासिल नहीं कर लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब तो बस 2011 के चुनाव का इंतजार है मुझे। बेटी, हम सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। हाँ माँ, अब इन सब के पाप का अंत होगा। साम्यवाद के नाम पे ये लोग खून की होलियां खेलते रहते हैं, गरीबों को जाति और धर्म के नाम पे नक्सलाइट बना रहे हैं। खत्म कर दूंगी इस झूठे कम्युनिस्ट को। किस किस से बदला लेगी तू? कम्युनिस्ट तो सिस्टम की तरह पूरे देश में फैला हुआ है। कितने हैं कम्युनिस्ट? I am also victimized by one of them. हमें पूरे परिवार के साथ मिदनापुर ओवरनाइट छोड़ना पड़ा था। कम्युनिस्ट के गुंडे मेरी बहन को घर से निकाल कर भरे बाजार में नंगा किया था। क्या दोष था उसका? बस वो तो गरीबों को कम्युनिस्ट की सच्चाई बता रही थी। आज भी मेरी दीदी असाइदम में है, अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। रिक्शा वाला, टैक्सी ड्राइवर, जज, क्लर्क, आईपीएस ऑफिसर, किस किस रूप में तुम कम्युनिस्टों को नहीं देखोगी। हर लोग कम्युनिज्म के नाम पर अपना अपना काम कर रहे हैं, और नंदिनी तुम इनसे बदला लेने चली हो। हम भी अपना काम कर रहे हैं। देव देव देव, जहाँ देखो वहाँ देव। स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट देव हर जगह है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल पर्सन ऑफ दिस टाइम इज देव। देशद्रोह के आरोप से भी बरी हो चुका है। तस्वीर तो दूर, एक इंटरव्यू तक नहीं है उसकी। हमने तो उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, पर वो मीडिया से बात ही नहीं करना चाह रहा।
देव खुद कम्युनिस्ट होते हुए हमें इंटरव्यू नहीं दे रहा है। आवर चैनल इज लेस सपोर्टर, क्या कर सकते हैं? ओके, देव कहाँ मिलेगा? देव हर सुबह विक्टोरिया मेमोरियल के सामने वाले पार्क में जॉगिंग करने आता है। वो जा रहा है देव, यही है देव। अच्छा, तो ये है देव। अच्छा भीवा, तुम यहीं चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाय हंसु, हंसु इतने दिनों बाद कहाँ चली गई थी तुम? हंसु, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और यहाँ पर तुम मजे कर रहे हो। हाँ, मजे कर रहे हो यहाँ पे? हंसु, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? लीडर, यूनियन लीडर, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? ये सब क्या है? क्यों मेरी लाइफ खराब की तुमने? बकवास बंद करो। हंसु, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सफाई नहीं करना चाहती। समझे क्या हुआ? नहीं जानती, ये सोम है। He is not Dave. इसकी बात मत सुनो, एक नंबर का झूठा है ये। एक बार उसे बोलने का मौका तो दे। हंसु, दो मिनट सुनो। नंदिनी, उसे बोलने का मौका तो दे। हंसु, क्या मौका दूं इसे? दो मिनट चुप रहो। उस दिन मैं तुम्हें ढूंढने गया था तुम्हारे पापा के पास, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पापा इस दुनिया में नहीं थे। मैं तुम्हें वहां दार्जिलिंग में ढूंढता रहा लेकिन तुम वहां भी नहीं मिली। तुम्हें याद है उस दिन जिस मोबाइल में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, वो मोबाइल गलती से ऑन रह गया था और हमारा सारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, और उस वीडियो को पुरनेंदु ने MMS बनाकर पूरी दुनिया में लीक कर दिया था। पुरनेंदु सुभाष बाबू की जगह विमल द मुक्ति मोर्चा का प्रेसिडेंट बनने वाला है। ठीक है यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है? विमल दा रे चाहे रे सुभाष बाबू, हमको तो बस पैसे से मतलब है, बस। अरे तू क्या बोलता है, पागल है तू? तू इस आंदोलन में सिर्फ पैसा के लिए? अरे कितना मजा आता है, पैसा भी मिलता है, लड़की लोग के साथ एंजॉय करने को भी मिलता है। तुझे पता, लड़की लोग भी ना आंदोलन के नाम पे घर से निकलकर मस्ती करना चाहता है। पुरनेंदु तू बिगड़ गया है। ओए फिलोसफर, वो जो तू अंशु के साथ कर रहा है वो क्या है? मस्ती, बस मस्ती। वैसे टेस्ट कैसा है उसका? तुमको पता है हम उससे शादी करने वाले हैं। तू तो सीरियस हो गया यार, चल छोड़, रहने दे। ट्रेन का टाइम हो गया, जाके रेडी हो जा। चल ठीक है, सॉरी। चल चल, जल्दी चल, ट्रेन का समय हो गया। हाँ चल चल। फिर जब मैं दिल्ली से वापस आया तब मुझे इस बात का पता चला, मेरे पास सच जाहिर करने की कोई रास्ता नहीं था। बस अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम ही मेरी जिंदगी हो। हंसु, आई नो आई डिड अ मिस्टेक, बट हंसु
हंसु, हंसु हमारी कोई गलती नहीं है। मेरे बाबा की मौत और अपने जन्म की सच्चाई ने मुझे कोलकाता पहुंचा दिया। जुबैदा जी ने हमें अपनी बेटी मानी। वो चाहती तो मुझे भी सोनागाछी की वैश्या बना सकती थी, लेकिन ऐसा ना कर उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मेरी सारी प्रॉपर्टी, जो भी मिल वगैरह, जो भी जायदाद थी, आज सरकार ने उस पर कब्जा जमा लिया है और उसका केयरटेकर बनाया है कॉमरेड मजूमदार को। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुझे किसी भी कीमत पर बदला लेना है। जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था, मुझे अपने परिवार का बदला लेना है। चुनाव अभी बाकी है, हम इन्हें एक्सपोज करेंगे। पूरा स्टूडेंट यूनियन तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे साथ हैं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। वेलकम टू एमटी नेटवर्क। आज पहली बार जेल से रिहा होने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट मिस्टर देव हमारे साथ हैं। मिस्टर देव, आप पर देशद्रोह का आरोप है, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। दरअसल हमारी सरकार सच का सामना नहीं करना चाहती है। हम स्टूडेंट्स ने प्ले ऑर्गेनाइज किया था और हमने वहां पे आजादी की ही तो बात कही थी। मिस्टर देव, मेरे पास कुछ फुटेज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, प्लीज चेक करिए। मैंने तो सिर्फ राज्य को वर्तमान चेहरा दिखाया है और ये पूरे देश को पता है कि वो आज भी गुलाम है। मिस्टर देव, तो आप क्या कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन करते हैं? कश्मीर एक ऐसा प्रॉब्लम बन गया है, अगर समय रहते इसे नहीं सॉल्व किया गया ना तो बड़ी देर हो जाएगी। शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इसी बात पे वार हो जाए। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर दी थी तो फिर क्यों यूनाइटेड नेशन में ओपिनियन पोल की बात एक्सेप्ट की गई, जिसका खामियाजा हमें 64 सालों से भुगतना पड़ रहा है? आप तो कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक हैं, तो फिर यहाँ के सरकार का विरोध क्यों? कॉल मार्क्स ने जब वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की बात कही थी, तब दुनिया में एक अलग दौर था। कम्युनिज्म थ्योरी इज अ सॉल्यूशन बट विथ मॉडिफिकेशन। आज जब कॉमरेड्स अपने कैडर्स को लाल क्रांति या फिर खूनी क्रांति के समर्थन में खड़ा रहे तो मैं हमेशा उनके विरुद्ध खड़ा रहूंगा। तो फिर आज तक आप चुप क्यों थे? आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा?
मैं तो सिर्फ इस विवाद की प्रतिक्रिया देख रहा था। इस तरह से सब अपने अपने ढंग से मुझे विवादित कर रहे थे और मेरा मन राष्ट्रभक्ति के लिए और संकल्पित होता जा रहा था। और अमी बोलते चाहे कि बंगाल भद्र लोकेन देश आचे और मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू मिस्टर देव। थैंक यू। वेलकम टू न्यूज टुडे। आज बंगाल असेंबली इलेक्शन के सेकंड फेज में 74% मतदान हुए है। दुर्गापुर, मिदनापुर, चितरंजन में सबसे ज्यादा। एक बात तो तय है कि जनता कुछ कहना चाहती है, पर जनता क्या कहना चाहती है ये तो इलेक्शन का परिणाम ही बताएगा। अब हम आपको बताते हैं मौसम का हाल। इलेक्शन कमीशन तो परेशान कर दिया है हमारा सारा कैडर्स। बूथ कैप्चरिंग में फेल हो रहा है। अभी 50% इलेक्शन बाकी है बंगाल में। ये जो एक्स्ट्रा वोट हो रहा है ना, इट इज गोइंग इन फेवर ऑफ ओपोजिशन, अंडरस्टैंड। इस तरह से अगर सारा वोट ओपोजिशन को चला गया फिर तो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है। कौन सा रास्ता? हमने एरिया कमांडर पूर्णेंदु मंडल को बुलाया है। ये सारे नेक्स्ट लाइट बेल्ट में अनाउंस करेगा इलेक्शन बायकॉट का। नक्सलियों की धमकी के बाद ये वोटिंग टर्नआउट कम हो जाएगा और फिर हमारा वोटर्स जो है ना, दे विल कास्ट वोटिंग। समझा? बुलाओ उन सबको। जी। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। बैठो, आओ बैठो। कॉमरेड, ये छत्तीसगढ़ एरिया की चीफ तापसी। इसने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। अच्छा। इसने इंडियन आर्मी के 76 जवानों को मार गिराया है। इसने रूलिंग पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को भी 20 अच्छा? शहर में मार गिराया। ओके। और पता नहीं कितने जमींदारों का खात्मा किया। कॉमरेड, विदाउट योर सपोर्ट वी कैन नॉट कैरी आउट दिस अटैक एंड फाइट अगेंस्ट इंडियन रूलर। आप जो हथियार भेजते हैं उसी से ये संभव है। भारत की इस पूंजीवादी सरकार को उखाड़ कर दिल्ली में लाल झंडा फहराना है। एक सेकेंड कॉमरेड, क्या मैं एक मिनट के लिए आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? तू क्या बात करेगा, मुझे तुझसे बात करनी है। स्टैंड अप। हे, तुम कुछ नहीं जानती हो। He's a blackmailer and deserve a slap. ये तो वो स्टूडेंट यूनियन लीडर सोमदेव। सोम, हाँ बस इट्स एनफ। क्या है ये? हम और सोम गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन में साथ साथ काम करते थे। यांसु है जिसको अब नंदिनी के नाम से जानते हैं, इसी की वजह से सोम ने हमको थप्पड़ मारा था और हमने भी इसका वीडियो एमएमएस बना के चारों ओर फैला दिया। इसी कारण इसे दार्जिलिंग छोड़ के यहाँ कलकत्ता में आना पड़ा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम ऐसा नहीं करता तो आज नंदी हमारे पास होता। वेल डन, वेल डन। लाल सलाम कॉमरेड। कोई और कॉपी तो नहीं है तुम्हारे पास? ये मुझे दे दो। जैसा आप कहें। अब तो नंदनी हमारी है ना? जी हाँ, बिल्कुल आपकी ही है। ओके। इलेक्शन पूरा तरह से बैकआउट होना चाहिए। जितना पैसा लगेगा
मिलेगा तुमको। लाल सलाम। लाल सलाम कमरे। देव, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। देव। लाल सलाम तापसी। What a pleasant surprise। तुम ऐसे openly कैसे घूम सकती हो? किसी ने पहचान लिया तो? अब कोई problem नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो इस बात को। JNU में तुम्हारी और हमारी कितनी लड़ाई हुई थी, और तुम तो मुझे सच्चा कॉमरेड नहीं मानती थी ना, क्योंकि मैं अहिंसा के रास्ते से साम्यवाद लाना चाहता था। साम्यवाद का सिद्धांत एक अधूरी परिकल्पना है। तुम ही सही थे देव, मैं ही गलत थी जो जज्बातों में बहकर इन लोगों के कहने में आ गई। झूठे हैं ये सारे के सारे कम्युनिज्म के ठेकेदार। एक इमेज जिसके साथ मैं आज तक लड़ाई लड़ रही थी, सब झूठा और बेमानी सा लगने लगा है। पुनेंदु ने तुम्हारा और नंदिनी का वीडियो मजूमदार को बेच दिया है, और वो मजूमदार से पैसे खा रहा है इलेक्शन डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे दलालों को तो मैं गोली मार दूं। अब तुम हमारे साथ हो ना, अब हम सभी मिलकर उन कम्युनिस्टों को उनकी औकात दिखाएंगे और उनका पर्दाफाश करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हम मिलकर इन झूठे कम्युनिस्टों को बेनकाब करेंगे। लाल सलाम। हेलो। यस कॉमरेड। यस, हाँ मैं आ रही हूँ। वेलकम नंदिनी, माय स्टार। होता है, ऐसे होता है, कॉमन है। पुराना प्यार मिलता है ना आदमी को, तो ऐसा ही हो जाता है। तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन सलाम क्या करेगा, क्या करेगा। डैम हेल, आई लव यू ना, यू लव मी। ये इंद्रनील ना, इंद्रनील मजुमदार कभी हारा नहीं है। 5 साल का था ना, तब से साला जीतने का आदत सा पड़ गया है। हाँ, क्लास में कभी सेकंड नहीं खड़ा हुआ,
हाँ, ये आदत है हमारा, समझा लो। हाँ, किसी से नहीं हारता है। आई लव यू। ओ मेरा बच्चा, कितना सेंटी हो गया। आजा मेरे पास, आजा। देव को कुछ मत करना। नंदिनी, नंदिनी, बचा लो अपने देव को। जानता नहीं है वो हमको। जब से लाल झंडा थामा है, सिर्फ खून ही बहा रहा हूं मैं। तुम तो जान गई हो ना मुझे। हाँ, 1988 में चौधरी खानदान को खत्म करने के बाद से खून की होली खेलने का ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। समझा दो अपने देव को, बोलो उसे कि तू हमको कितना प्यार करता है, हम तुमको कितना प्यार करता है। हाँ, मालूम है ना, अरे ये मेरा बच्चा रो रहा है। अरे तुम हमसे कितना प्यार करता है, मत रो। नंदिनी, इसे क्या हुआ? हंसु, ये क्या कर रही है? मुझे जाने दो। उसे गोली मारकर उसे शहीद बनाना चाहती हूँ। अमर हो जाएगा वो। छोड़, छोड़। मुझे जाने दो। वो मेरे परिवार का हत्यारा है। क्या ये? क्या करोगी तुम उसे मारकर? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
नंदनी तुम भूल गए नंदनी, एज पर प्लान ऑल हिडन कैमराज आर शूटिंग एवरीथिंग इन द ऑफिस। मजूमदार की सारी बातें सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो चुकी है। संभालो अपने आप को। वी हैव ऑल द राइट प्रूफ। और तुम फिर ये क्या करने जा रही थी? ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मारना ही सोल्यूशन है तो वी कुड हैव डन इट। अच्छा हुआ जो विभा ने हमें बता दिया। जज्बात से नहीं दिमाग से काम लो नंदिनी। मजूमदार के खिलाफ जितने भी सबूत हैं हम उसे पब्लिक करेंगे और सारे सबूत इकट्ठा करके उसका पर्दाफाश करेंगे। और तुम्हें पता है नंदिनी, तापसी भी हमारे साथ है। तापसी ने जब हमारे एमएमएस में मुझे देखा तब उसने मुझे तुरंत फोन किया। नंदिनी अब उसका वक्त पूरा हो चुका है। तापसी नंदिनी से बात करो। हेलो तापसी, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारे आंखों के सामने से कम्युनिज्म का पर्दा हट गया है। तापसी मेरी और तुम्हारी कहानी अलग नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने बंदूक उठाया और मैंने कलम। ये कम्युनिस्ट लोग एक ऐसा सपना बेच रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तापसी ये पूर्णेंदु कहाँ है? हाँ ओके 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 तापसी बाय, हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। हेलो कमिश्नर साहब, कैसे हैं आप? बोलिए बोलिए ना। डरिए मत, मैंने फोन किया है, मजूमदार ने नहीं, जो ब्लैकमेल करेगा पुलिस डिपार्टमेंट को। क्या बात है? अभी मैं एक मौका दे रही हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी पीठ थपथपाने का, और मुझे अपने चैनल के लिए एक्सक्लूसिव कवरेज की जरूरत है। मैं आपके साथ हूँ। कालीघाट के मूनलाइट होटल के रूम नंबर 206 में नक्सल कमांडर पूर्णेंदु ठहरा हुआ है। अच्छा आप एनकाउंटर कीजिए। एनकाउंटर? और वाह वाही लूटिए, मोस्ट वांटेड है वो, 25 लाख का इनाम है। आप एक घंटे बाद अपना क्रू भेजिए, तब तक सब काम हो जाएगा। थैंक यू। क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था ना काव्या कि सही समय आने पर मैं तुम्हें जवाब दूंगी। आ गया वो सही समय। सारे टेररिस्ट को आम पहुंचाने का कौन काम करता है तुम्हें पता है? वो है इंद्रनील मजूमदार। काव्या मैम आपको पता है कि सारे किसानों की जमीन हत्याने वाला कौन है? इंद्रनील मजूमदार। नक्सल के नाम पे हजारों लोगों की जान लेने वाला कौन है? इंद्रनील मजूमदार। वही जिसने अपनी सेक्रेटरी ईशा को भी मरवा डाला। और जानती हो तुम्हारी बहन को मारने वाला कौन है? वही मजूमदार।
इंद्रनील मजूमदार। यासु, उस पापी इंसान के लिए बहाने की कोई जरूरत नहीं। विकिलीक ने दावा किया है कि उलिया आर्म्स ड्रॉप केस में कम्युनिस्ट लीडर इंद्रनील मजूमदार का हाथ है। विकिलीक ने अपने पास इसके पुख्ता सबूत होने की बात की है। बाबूजी, तुम जाओ। जी। क्या मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है बाबूजी। कॉमरेड, ये सब जो हो रहा है ना, ये वही स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सोमदेव करवा रहा है। बोले तो खत्म करवा दूं। फोन लगाओ उसको। ओए छात्र नेता, आमी मजुमदार, कुछ ज्यादा ही अंदर तक घुस रहा है तुम। देखो, नन्नी हमसे प्यार करती है, समझे? और हम भी उसको बहुत चाहता है। हम नहीं चाहता है कि तुम बीच में पड़ो। और ये सब जो छपवा रहा है ना तुम, ये विकिलीक का कोई वैल्यू नहीं है। पूरा सब बंद करो ये सब, नहीं तो सांस बंद हो जाएगा तेरा, समझा? मजुमदार बाबू, कितने मूर्ख हो तुम, फोन पर धमकी दे रहे हो। तुम्हें पता भी है फोन में रिकॉर्डिंग भी होती है, किसका सांस बंद हो जाएगा? अब देखें, तुम्हें पता है आज वैसे भी अष्टमी है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। दुर्गा दुर्गा
नंदिनी, तुम्हारा तो काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। बर्बाद कर दूंगा तुझको, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझको। CEO Nandini Ghosh and controversial student union president Somdev are caught on camera. Nandini aur Dev ka MMS hua viral. Today's breaking news. Nandini Ghosh expelled. CEO Nandini Ghosh ko nikala gaya. कमिश्नर साहब आ गए। नमस्ते सर। हेलो नमस्ते। थैंक यू। वैसे स्टिंग वीडियो डिलीट करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मजुमदार के कैडर्स आपको मारने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन आप लोगों के रहते? पर मैं हूं ना। इलेक्शन के समय मैं किसी पॉलिटिशियन के बाप से भी नहीं डरता। लेकिन फिर भी आपको ऑफिशियल प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए। मैं दिल्ली में होम मिनिस्टर बंसल साहब से आपकी बात कराता हूँ। एक सेकंड। हाँ बंसल साहब। हाँ बोलिए। हाँ वो मजुमदार वाला केस था ना? हाँ जी। वो नंदिनी मैडम मेरे साथी हैं। जरा बात कर लीजिए। दीजिए। हेलो बंसल साहब, हमारे पास पूरे सबूत हैं। We need police protection now. आपको पूरी protection मिलेगी। इन सबूतों से इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आपकी पार्टी जीतेगी या नहीं ये तो नहीं कह सकती, but ruling party will be defeated after this. आप पूरे सबूतों के साथ इनका चेहरा बेनकाब कीजिए। ओके। हम आपके साथ हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जी, हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ओके सर, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तो दीजिए। उन लोगों की हम धज्जियां तक उड़ा देंगे, क्योंकि अब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं। सर, उन लोगों ने कम्युनिस्ट के नाम पे लूट मचा रखी है। इस बार तो उनका इलेक्शन जीतना पॉसिबल ही। संघवाद से, सामंतवाद से, पूंजीवाद से, मनुवाद से आजादी। फ्रेंड्स, कई दिनों से आप एंटी नेटवर्क की सीईओ नंदिनी के एमएमएस हर न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। ये वीडियो जिसमें नंदिनी और देव है, इसकी सारी सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। फर्स्टली आई एडमिट दैट इन द वीडियो आई एम विद देव। मैं और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये जो वीडियो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये वीडियो आज से 4 साल पहले पुर्नेंदु नाम के एक शख्स ने मेरे मोबाइल से चोरी कर लिया था। इस वीडियो को हथियार बनाकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था।
ताकि हम उनके खिलाफ सारे सबूत पब्लिक तक ना ला सकें और इंद्रनील मजुमदार को बेनकाब ना कर सकें। दिस इज द रियलिटी। नक्सलाइज्ड और टेररिस्ट को हथियार सप्लाई करने वाला, ट्रेड यूनियन के नाम पर मिल ओनर्स को ब्लैकमेल करने वाला, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और लाल क्रांति के नाम पर ना जाने कितनों की जान लेने वाला, वो है इंद्रनील मजुमदार। देश और समाज का दुश्मन, जिसने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत खूनी क्रांति से की और मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। मैं हूं उस स्वर्गीय श्यामल चौधरी की बेटी, जिसे एक वफादार मजदूर ने बचा लिया और अपनी बेटी की तरह दार्जिलिंग में चाय बेच बेच कर पाला। The video of Indranil Mazumdar, what we have showed you here, has been sent to Delhi government too. और सारे सबूत हम कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर बैनर्जी को सौंप रहे हैं। मिस्टर मजुमदार ट्राई किलिंग वन ऑफ आवर रिपोर्टर पार्थो सारथी, हु इज विद अस टुडे। जब पहली बार जमीन घोटाले का मैंने खुलासा किया तो इंद्रनील मजुमदार ने मुझे अपनी बिल्डिंग से भिगवा दिया और अपने गुंडों से पिटवाया। ये सोच के कि मैं मर गया, मुझे हुगली नदी में भिगवा दिया। वो तो भला हो उस मछुआरे का जिसने मेरी जान बचाई और आज उसका सर्वनाश करने यहाँ आया हूँ। तापसी, who is the area commander of Chhattisgarh Maoist Movement, who is with us today? वो आपका बताएंगे किस तरह मिस्टर मजुमदार अपने देश के खिलाफ खूनी खेल खेल रहे हैं। मजुमदार जैसे लोग आज देश में बढ़ रहे नक्सल आंदोलन के रहनुमा हैं, जो ये लड़ाई हमेशा चलाना चाहते हैं ताकि इनके हथियार बिकते रहें और हम हथियार खरीदते रहें, जिससे देश में खून की नदियां बहती रहें। सरकार भी सही नहीं होती हर जगह, गलती सरकार भी करती है जो इन आदिवासियों को उनका हक नहीं देती, जिस कारण मजुमदार जैसे लोग इन मासूमों का फायदा उठाते हैं। आज मैं सरेंडर कर रही हूँ और अपने सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। दोस्तों, मैं एक कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन आज गीता पे लिखी गई एक बात मुझे याद आ गई, जो नंदनी के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब इस देश में, इस धरती पर धर्म की हानि होगी, तब तब इस धरती पर मैं आऊंगा और आज वो नंदनी के रूप में। जय हिंद। We have received all the evidences given by Miss Nandini, Mr. Dev and Miss Bibha. We have filed a case against Mr. Majumdar under Section 369, 302, 307, 383, 386, 148, 15। मजुमदार, तूने मेरे परिवार को जिंदा जलाकर राख बना दिया ना? आज उस राख से निकली छोटी सी चिंगारी ने तुझे खाक में मिला दिया। साथियों को भी पकड़ लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी के सबसे अहम वरिष्ठ लीडर इंद्रनील मजुमदार को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नंदनी घोष, जो दरअसल कोलकाता के उद्योगपति स्वर्गीय श्यामल चौधरी की बेटी है, जिनके पूरे परिवार को नक्सलियों के नाम पर जिंदा जला दिया था इंद्रनील मजुमदार ने, विभा बोस ने वो सबूत पेश किया है जिससे राज्य कर्मचारी घोटाले के सारे आरोपियों की सिलसिलेवार मौत के लिए इंद्रनील को जिम्मेदार बताया। कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था कि पूरे भारत में नक्सलाइट्स को आग पहुंचाने का काम करते हैं इंद्रनील मजुमदार। केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है। बिटिया, जरा लुटिया में जब तो ला। बेटा,
लीजिए बाबूजी। थोड़ा हाथ आगे बढ़ाओ। इसे जमीन पे गिरा दो। अक्षम मृत्युकम, अब ये हमारा शोकग्रीह हो गया है और मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इंद्रनील, हमने तुम्हारा तर्पण कर दिया है, हमारे लिए तुम आज से मर चुके हो। मुझे पता है, मेरी बहन ने कोई सुसाइड नहीं किया था, तुमने उसको मार डाला क्योंकि वो तुम्हारा सच जान चुकी थी। ये लो और हमें भी मार डालो। चलो बेटा, और इस तरह कम्युनिज्म के नाम पे चल रहा हिंसा का एक अध्याय समाप्त हो। नई सरकार ने नंदिनी को उसके पिता की संपत्ति का वारिस घोषित किया। नंदिनी और विभा ने मिलकर फिर से एक नए चैनल की नींव रखी।